स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल ऑफ किडनी इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी अकर इन द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सीक्रेशन. ओके, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर फ्रॉम ब्लड आर फिल्टर्ड व्हेन ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुली. ओके, कहते हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर है वो फिल्टर होता है, ठीक है, जब ब्लड जो है वो हमारा पास होता है थ्रू द कैपिलरीज. दीज आर रिसीव्ड बाय बोवन्स कैप्सूल एंड मूव डाउन टू द ट्यूबल. ये हमारे बोवन कैप्सूल्स में रिसीव होता है, देन उसके बाद ये ट्यूबल्स में चला जाता है, ठीक है. रीअब्सॉर्प्शन है मतलब किसी चीज़ को दोबारा से एब्जॉर्ब करना, ठीक है. सो एज अ फिल्ट्रेट मूव डाउन द ट्यूबल्स, यूजफुल सब्सटेंस लाइक शुगर, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड. यूजफुल सब्सटेंस जो हैं शुगर, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर, ये रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं इन द ब्लड. नेक्स्ट आ गया हमारा सीक्रेशन. सम सॉल्ट्स एंड यूरिया आर स्टिल लेफ्ट इन द ब्लड इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के बाद फिर भी कुछ सॉल्ट्स एंड यूरिया जो हैं वो रह जाते हैं हमारे ब्लड में. दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये, फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज इनटू द ट्यूबल्स. ओके, द यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी बाय यूरेटर्स. जो हमारा यूरिन है वो किस चीज़ से रिमूव होता है, उसको बोलते हैं यूरेटर्स, ठीक है. इट इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर होते हैं इसमें कलेक्ट होता है एंड उसमें स्टोर होता है, ठीक है. एंड इज़ फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू यूरिनरी ओपनिंग लोकेटेड एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा. द यूरेथ्रा इज़ अ मस्कुलर ट्यूबल. जो हमारा यूरिन होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्टेड होता है वो एक ओपनिंग होती है, यूरिनरी ओपनिंग बोलते हैं उसको, जो कि यूरेथ्रा के एंड में प्रेजेंट, वो उस चीज़ से डिस्पोज हो जाता है, आउट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्किन नेस एक्सक्रीटरी ऑर्गन. स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन रिमूव वाटर, सॉल्ट, यूरिया फ्लोइंग थ्रू ब्लड कैपिलरीज इन द स्किन. स्वेट क्या होता है, पसीना, ठीक है. सो हमारी स्किन से जब पसीना आता है ना तो उसमें वो क्या होता है, सॉल्ट एंड यूरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारे स्किन्स के जो पोर्स होते हैं ना, हमारे स्किन के सरफेस पे एक पोर्स होते हैं, ठीक है, वो उसके थ्रू बाहर आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वेट, ठीक है. उससे क्या होता है, जो हमारे वेस्ट होता है सॉल्ट एंड यूरिया, ठीक है, वो उस चीज़ को रिमूव करता है बाय स्वेट. ओके, नेक्स्ट आ गया लंग्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. लंग रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन. इट कम्स आउट व्हेन विद द एयर वी एक्सहेल. ओके, बोलते हैं कि लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्रोड्यूस होती है, ऐसे तो हमारे शरीर में आती नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है, जब हमारे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन, ठीक है, तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस्ड होती है. और देन जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम इनहेल करते हैं. ओके, एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लीवर. एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स इन द ब्लड आर कैरिड टू लीवर. बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होते हैं ब्लड में वो लीवर में कैरी होते हैं, ठीक है. लीवर सेल्स रिमूव अमोनिया फ्रॉम देम एंड विद कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसाइज यूरिया. ये क्या करता है, अमोनिया को रिमूव कर देता है, लीवर सेल्स हैं वो अमोनिया को रिमूव कर देते हैं एंड सिंथेसाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यूरिया को,
ठीक है, फ्रॉम लीवर यूरिया इज़ कैरिड टू किडनीज, यूरिया जो है वो लीवर से किडनीज में जाता है एंड एक्सक्रेटेड इन द यूरिन, एंड ये यूरिन में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। लीवर ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ बाइल पिगमेंट फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ एग्जॉस्टेड आरबीसीज, एक्स्ट्रा विटामिन एंड ड्रग्स। जो लीवर होता है वो ऑल्सो हेल्पफुल होता है इन द रिमूवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, जो कि एग्जॉस्टेड आरबीसीज से बने होते हैं, ठीक है। जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तब ये बाइल पिगमेंट जो है वो बनते हैं, ठीक है।